Hello friends, myself Ankita Dimmar from Ashwamedh Vidyalay. Exercise 11.1, question 7. Radha is drawing a doll Rangoli. A beautiful pattern of lines joining dots. With chalk powder, she has 9 dots. In a row, how many dots will her Rangoli have for our rose? How many dots are there if there are 8 rows? If there are 10 rows? तो यहाँ पे राधा है वो रंगोली ड्रो कर रही है डॉट रंगोली. तो आपको पता है डॉट रंगोली यानी इसी तरह की होती है ना. ओके, राधा रंगोली ड्रॉ कर रही है और यहाँ पे हमें दिया है सी हैज 9 डॉट इन अ रो. फर्स्ट रो में 9 डॉट है. हाउ मेनी डॉट विल हर रंगोली हैव आर रोस. फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में डॉट 9 है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, तो क्या होगा 9 × 1 होगा. सेकंड में भी 9 डॉट है तो क्या होगा 9 × 2. ओके, फर्स्ट में 9, सेकंड में 9 × 2, 18 होगा. थर्ड में, थर्ड रो, इसमें भी 9 है, 9 × 3 होगा. तो यहाँ पे आर रोज है. ओके, तो क्या होगा सो ऑन आर रोज 9 × r होगा ना. आर रो यानी 9 × r. हमें फाइंड करना है 8 रो एंड 10 रो. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये 8 रो है. ओके, 8 रो तो 9 × 8 होगा. ओके, तो क्या होगा 9 × 8, 72 डॉट्स. इसी तरह 10 रो 9 × 10 यानी 90 डॉट्स होगा. ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है. फर्स्ट रो 9 × 1, सेकंड 9 × 2, थर्ड 9 × 3, 5 9 × 5, सो ऑन 9 × 8. 8 रो यानी 9 × 8 होगा. फिर 10 रो यानी 9 × 10 होगा. आर रो यानी 9 × r होगा. ओके, यहाँ भी नंबर ऑफ रो आर है. ओके, एंड नंबर ऑफ डॉट्स यानी 1 रो में 9 दिया है ना हमें, 9 डॉट्स इन अ रो. ओके, 9. व्हेन देयर आर, हमें फाइंड क्या करना है 10 रो, 10 रो एंड 8 रो. ओके, इफ देयर आर 8 रो एंड 10 रो, आंसर क्या होगा. व्हेन देयर आर 8 रोस देन नंबर ऑफ डॉट्स यानी क्या होगा 8 × क्या होगा 9 × 8 होगा ना. 9 × 8 होगा, क्या होगा 9 × 8, 72 डॉट्स. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है 10 रो. 10 रो व्हेन देयर आर 10 रो देन नंबर ऑफ डॉट्स यानी
9 into 10 यानी 90 डॉट्स। ओके, इसीलिए हो गया ना। फर्स्ट रो 9 डॉट्स, 9 into 1, सेकंड रो 9 into 2, अप टू आर रो यानी 9 into आर, 10 रो यानी 9 into 10, 5 रो फॉर एग्जांपल 5 रो 9 into 5, 4 रो 9 into 4। ओके, तो यहाँ पे 8 रो 9 into 8, 72। नेक्स्ट 10 रो यानी 9 into 10 यानी 90 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 8, लीला इज राधास यंगर सिस्टर, लीला इज 4 इयर्स यंगर देन राधा। कैन यू राइट लीलास एज इन टर्म्स ऑफ राधास एज? टेक राधा एज टू बी एक्स ईयर। यहाँ पे हमें राधा की एज एक्स दी गई है, तो दोनों सिस्टर है लीला एंड राधा। हमें यहाँ पे इस टॉपिक में राजू एंड बालू की बात की है, तो राजू की एज यहाँ पे, राजू एंड बालू दो ब्रदर है ना, राजू बालू इज यंगर देन राजू बाय 3 इयर्स। जब राजू की एज 12 इयर्स ओल्ड, बालू इज 9 इयर्स ओल्ड। ओके, तो यहाँ पे बड़ा ब्रदर राजू है और छोटा ब्रदर बालू है, 3 साल छोटा है बालू। ओके, इसी तरह यहाँ पे दो सिस्टर है लीला एंड राधा। ओके, यहाँ पे राधा की एज हमें दी है एक्स इयर्स। तो हम कैसे करें, राधा एज क्या दी है एक्स इयर्स, और यहाँ पे लीला, लीला इज 4 इयर्स यंगर देन राधा, छोटी है 4 इयर्स लीला राधा से। लीला एज क्या होगा, 4 इयर्स छोटी है, एक्स माइनस 4 होगा। ओके, ये आंसर है, कुछ भी नहीं करना है। राधा की एज हमें दी गई है और लीला 4 साल छोटी है, एक्स माइनस 4 होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 9, मदर हैज मेड लड्डूस, सी गिव्स सम लड्डूस। ओके, सॉरी, मदर हैज मेड लड्डूस, सी गिव सम लड्डूस टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूस रिमेन। इफ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव अवे इज एल, हाउ मैनी लड्डूस डिड सी मेक? यहाँ पे हमें टोटल लड्डू फाइंड करना है। ओके, तो लड्डू मम्मी ने बनाया है ना, उसमें से 5 लड्डू रिमेन, 5 लड्डू बचे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लड्डू यानी एल है, और उनमें से नंबर ऑफ लड्डू रिमेन 5, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू क्या होगा, एल प्लस 5 होगा ना। क्या है उसमें, नंबर ऑफ लड्डूस गेव अवे एल। ओके, और उनमें से 5 लड्डू बचे, नंबर ऑफ लड्डूस रिमेनिंग क्या है, 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लड्डूस क्या होगा, एल प्लस 5 होगा ना। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 चॉकलेट है। ओके, उनमें से आपने 8 चॉकलेट बांटी आपके फ्रेंड को, और आपके पास 2 चॉकलेट बची, तो टोटल क्या होगा, 10 होगा ना, 10 चॉकलेट आपके पास थी। ओके, उनमें से 8 चॉकलेट आपने आपके फ्रेंड के साथ बांटी और 2 बची, टोटल चॉकलेट क्या है, 10 थी। यह पे एल नंबर ऑफ लड्डू गिव अवे एल थे, और 5 लड्डू बचे,
टोटल लड्डू क्या होगा, एल प्लस फाइव होगा ना। ओके आपको एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन 10, ऑरेंज आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इन एम्प्टी द ऑरेंज फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्स एंड स्टिल 10 ऑरेंज रिमेन आउटसाइड। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स। यहाँ पे लार्जर बॉक्स एंड स्मॉल बॉक्स, लार्जर बॉक्स में से ट्रांसफर स्मॉलर बॉक्स में ऑरेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे लार्ज बॉक्स में लार्ज बॉक्स खाली हो गया और स्मॉलर बॉक्स टू स्मॉलर बॉक्सेस में ऑरेंज आ गई और उसके बाद 10 ऑरेंज बची। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स। यहाँ पे आपको अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, स्मॉल बॉक्स में एक्स ऑरेंज थी ये आपको दिया गया है। तो हम कैसे करें, लार्ज बॉक्स ओके उसमें से एम्प्टी हो गई, टू स्मॉलर बॉक्स ट्रांसफर किए टू स्मॉलर बॉक्स और 10 ऑरेंज बची। तो यहाँ पे ये लार्ज बॉक्स है, ये स्मॉलर बॉक्स है ना। तो यहाँ पे स्मॉलर बॉक्स टेकन एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है होगा ना, स्मॉलर टू स्मॉलर बॉक्स प्लस 10 ऑरेंज बची तो 2x प्लस 10 होगा ना, 2x प्लस 10। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स x, x इन अ वन बॉक्स x, नंबर ऑफ बॉक्सेस स्मॉल बॉक्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 स्मॉलर बॉक्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन द बॉक्स 2x होगा, 2x होगा ना, x प्लस x क्या होगा 2x होगा, और रिमेनिंग ऑरेंज 10 है ओके। तो नंबर ऑफ ऑरेंज क्या होगा, 2x प्लस 10, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना, लार्ज बॉक्स दोनों स्मॉलर बॉक्स और 10 रिमेनिंग ऑरेंजेस ओके। तो स्मॉलर बॉक्स उसमें x दिया है हमको, x x यानी 2x होगा टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, फिर 10 रिमेनिंग ऑरेंज 2x प्लस 10 ओके। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इक्वल टू 15, x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 2x प्लस 10 में, फॉर एग्जांपल सपोज, तो हम 2x की जगह 50 लिखेंगे प्लस 10, 15 इंटू 2 क्या होगा 100 प्लस 10 यानी 110 होगा। तो यहाँ पे 15 स्मॉलर बॉक्स 15 और टोटल यहाँ पे 110 है ओके लार्ज बॉक्स में, तो 15 इंटू 15 स्मॉलर बॉक्स में ऑरेंज होगी और प्लस 10 110 हो गया ना, समझ में आया। मैंने क्या किया, सपोज फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 15, x की जगह में 15 वैल्यू पुट अप की तो 110 होगा। तो यहाँ पे x 50 100 होगा, 100 प्लस 10 110, तो हमको मिल जाएगा ना लार्जर बॉक्स में कितनी ऑरेंज थी ओके। आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।